आंदोलन करना व्यर्थ है, सरकार खुद ही उसमें चिंतित है। हाँ, ये प्रक्रियात्मक कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ कुछ बातें आती है, पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त फर्जीवाड़ा से मुक्त ऐसा कोई नियमावली बने, इसी के दिशा में काम हो रहा है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुराग। सातवें चरण की शिक्षक बहाली पर अब आर पार की तैयारी है। जी हाँ, सातवें चरण की शिक्षक बहाली पर सरकार के सामने अभ्यर्थी हैं और सरकार उन्हें नसीहत दे रही है कि आंदोलन व्यर्थ है। जी हाँ, एक तरफ जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर अगली कैबिनेट में नई नियमावली नहीं लाई गई तो आंदोलन तय है, उग्र आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, इसी बजट सत्र में करेंगे। जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, जो 19 के अभिषेक कुमार झा क्या कुछ कह रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, पहले सुन लीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका नियमावली शिक्षक अभ्यर्थी के लिए कब पारित होगा, एक डेडलाइन भी दीजिएगा। आपके शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में मनुस्मृति पर बात करते हैं, शिक्षा मंत्री है ना, कि किसी धर्म के पुजारी है, वो धर्म के पुजारी नहीं ना है, तो उनको शिक्षा पे बात करना चाहिए था, नियमावली पे बात करना चाहिए था, विज्ञापन पे बात करना चाहिए था। हम लोग एसटीटी 19 मेरिट में आके और विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ किया गया, बर्दाश्त से बाहर आए। हम लोग विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरे थे, विज्ञापन के अनुसार मेरिट में आए हैं और विज्ञापन के अनुसार हमको नौकरी चाहिए। हम लोग को नियमावली में प्रावधान किया जाए कि एसटीटी मार्क पे जो विज्ञापन था और अगले कैबिनेट के अंदर नहीं आती है तो हम लोग 20 तारीख के बाद रोड पे उतरेंगे। आप लोग कोई डेडलाइन नहीं देते हैं कि कब नियमावली पारित होगा। आपका अपना काम होता है तो रातों रात काम कर लेते हैं, आपको दिल्ली जाना होता है, सिंगापुर जाना होता है तो रातों रात चल जाते हैं। चार पन्ना का ये नियमावली आपसे नहीं कैबिनेट में पास हो रहा है। अगर सरकार में नहीं चल रही है आपसे तो इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, आप विपक्ष में बैठिए। सुन लिया आपने, सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री को उन्होंने कहा कि आपका काम शिक्षा विभाग को दुरुस्त करना है, ज्ञान मत दीजिए। जी हाँ, ज्ञान मत दीजिए रामचरितमानस पर और इस पर व्याख्यान मत दीजिए, बल्कि शिक्षा विभाग में काम कीजिए। और अगर आपने नई नियमावली नहीं लाई, अगले कैबिनेट तक नहीं आया तो आंदोलन तय है, ये अभ्यर्थियों ने साफ साफ कह दिया है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री हैं जो प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो लगातार रामचरितमानस की व्याख्या तो कर रहे हैं लेकिन जो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, जो शिक्षक संघ है, ये माफ कीजिए जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी उग्र आंदोलन होगा, तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये आंदोलन व्यर्थ है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। अब ये बात शिक्षक अभ्यर्थी का, जब सब तरफ से आप जान रहे हैं कि ये नियोजन नीति ये प्रक्रियाधीन है और जल्द से जल्द होने वाली है, तो इसमें रोज रोज एक ही बात को पूछना, तो 2 करोड़ वाले से प्रतिवर्ष वाले से क्यों नहीं पूछते, कुछ पूछना चाहिए 2 करोड़ वाले से भी। प्रतिवर्ष जो 2 करोड़ दे रहे थे ना, वो लिए हैं कि दिए हैं, सो भी तो हिसाब किताब कर देते ना थोड़ा सा। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी ये मानने को तैयार, अब देखिए तो उनका अख्तियार है ना, वो आंदोलन जो अपने डिमांड के लिए आएगा बेचारा आंदोलन करेगा, लेकिन आंदोलन करना व्यर्थ है, सरकार खुद ही उसमें चिंतित है। हाँ, ये प्रक्रियात्मक कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ कुछ बातें आती है, पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त फर्जीवाड़ा से मुक्त ऐसा कोई नियमावली बने, इसी के दिशा में काम हो रहा है। सुन लिया आपने, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन व्यर्थ है, सरकार उनकी बातों पर ध्यान दे रही है, सरकार उनके लिए लगातार प्रयासरत है, सरकार नई नियमावली तैयार कर रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री वही है जो पहले कहते चल रहे थे कि नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है और अब कह रहे हैं कि नियमावली तैयार की जा रही है, यानी मामला आर पार कर तो बनता ही है। जिस तरह से कई कैबिनेट गुजर गए और शिक्षा मंत्री आश्वासन देते रह गए और कैबिनेट में पास होने की बात करते रह गए लेकिन ऐसा हो ना सका, तो अब अभ्यर्थियों ने साफ साफ कह दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, या तो कैबिनेट में लाइए नई नियमावली और जल्दी से सातवें चरण की शिक्षक बहाली की नियुक्ति का जो है
वो निकालिए, नोटिस जारी कीजिए, और नहीं तो आर पार की लड़ाई अब तय है। तो सातवें चरण की शिक्षक बहाली पर अब ठन गई है शिक्षक अभ्यर्थियों और सरकार के बीच। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।